भाई फ्रेंड्स, मैंने कतई नहीं सोचा था कि अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। मैं लिटरली सोने चली गई थी। अभी करीबन बज रहे हैं 12:15 और ये लोग सारे आ गए हैं केक लेकर, केक कटवाने के लिए। और मुझे अभी रात के 12:15 उठकर तैयार होना पड़ा हल्का फुल्का। और यहाँ पे मैं, उन्होंने केक निकाल लिया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। केक आना था तो यार पहले बता के आना चाहिए था, आपने तो सरप्राइज बर्थडे था। रुके मैं आपको दिखाती हूँ किसी ने सरप्राइज पर अरेंज किया है। फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने केक का इंतजाम किया। और सारा सरप्राइज का जो प्रोग्राम रहता है ना, हमेशा इनका खुराफात रहता है। आप पहले से बता देती मेरी लाल, सरप्राइज 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 के चक्कर में रात के करीबन बज रहे हैं 12:15। और सॉरी, घर पे मेहमान था तो आने में लेट हो गया। मेहमान कौन? बांग्लादेश वाले अंकल लोग सारे। अच्छा, तो इसलिए आप लोगों को, अब मेहमान को देखिए तो भाभी जान को भूल नहीं सकते, क्योंकि भाभी जान तुम्हारी जिंदगी। वैसे कल मेरा रोजा है। अच्छा, अभी मैं केक यही शहरी में खा लूंगी, बर्थडे और एंजॉय होगा। ये शहरी में मैं केक खा लूंगी, कोल्ड ड्रिंक पी लूंगी। बताइए कौन सा बर्थडे मैं मना रही हूँ। अच्छा, उठाकर रख लूंगी। नहीं, मैं बेबी अपोलो को भी भेज दूंगी। और ये मेरी तप्पी आई हुई है, तुम्हारे ही खुराफाती दिमाग है हमको लग रहा है, तुम्हारा और इनका। अच्छा, मतलब चारों मिल के खुराफात हो गए। चलो केक काटते आइए। मुझे सही से बैठने के लिए बोला जा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। छुरी नहीं है काटने के लिए। जा छुरी ना, तुम्हें छुरी भाई। लिटरली इन लोगों ने जब कैंडल जलाया तो ये वाला छुरी गायब हो गया था, और छुरी खोजते खोजते कैंडल जो है वो बंद हो गया, तो मेरे हाथ में अब ये वाला छुरी पड़ गया। तो ठीक है, केक काट दे। केक मर्डर हो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। गिफ्ट पकड़ो दादी के तरफ से। क्या है? क्या है दादी के तरफ से? क्या है? तुम देखो, ये मेरी दप्पी है, खासम खास, द वेरी खास। ये लीजिए, आप लीजिए एक। अरे पूरा खाइए ना, इतना क्या कंजूसी। ये आपके लिए। मुझे आ जाए ना, लीजिए आप भी लीजिए। पहले हाथ धो लीजिए, इतना क्या बेसब्री। वाओ, वेरी नाइस, नो स्पिन है। कौन दिया? दादी दिए ना, दादी की मोहब्बत। थैंक्स, शुक्रिया दादी। तो भाई फ्रेंड्स, रात के करीबन बज रहे हैं 3:30 और हम लोगों ने कर लिया है शहरी। इन लोगों ने नाचा गाया, जो जो इन लोगों को करना था वो सारी चीजें इन लोगों ने कर लिया। अब इन लोग जा रही है अपने घर, और कल 16 सैयदों का रोजा है, इसलिए हम लोगों ने कर लिया है शहरी। और तो चलिए, अब आज का वीडियो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ, लेकिन कल सुबह मुलाकात करूंगी अपने इस बर्थडे वाले व्लॉग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो भाई सुबह हो गई है, और जैसा कि आप सबको मैंने रात को बताया था कि आज रोजा रहेगा मेरा, तो मैं रोजे से हूँ। तो सीधा मिलती हूँ अब आप लोगों को असर के वक्त, जब मैं कहानी सुनूंगी और इफ्तार का प्रिपरेशन करूंगी। नाउ फ्रेंड्स, असर का वक्त हो गया है और मैं यहाँ पे कहानी सुन रही हूँ 16 सैयदों का, और फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे प्रिपरेशन इफ्तार का, और फिर करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट। वेल भाई फ्रेंड्स, ये मेरा एकदम फेवरेट डिश है। इसमें हम लोग एग एंड दूध में चीनी डालकर ब्रेड में ऐसे ही फ्राई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने इफ्तारी का पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, और दस्तरखान में इफ्तारी को सजा लिया है। अभी थोड़ी देर में हो जाएगा मगरिब का अज़ान, और मैं रोज़ा खोल लूँगी अपना, मतलब मेरा 16 सैयदों का जो ये रोज़ा है, एक और माशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैंने बर्थडे वाले दिन अपना रोज़ा इसलिए भी रख लिया ना, क्योंकि अगर आज रोज़ा नहीं रखती ना, तो फिर 2 महीने बाद ये रोज़ा नसीब होता, क्योंकि भाई रमज़ान जो आने वाली है। भाई मैं अभी हो गई हूँ तैयार। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह भी कर लिया, और कल रात को बर्थडे का केक भी काट लिया था। ये एक पर्सनल ब्लॉग है, तो भाई मेरा बर्थडे है, आप लोग जैसे कि जानते हो इस वीडियो के जरिए। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर घूमने फिरने के लिए, तो साथ में आप लोगों को भी दिखाने वाली हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो जी भाई फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं न्यू मार्केट, और अहमद गए हैं ATM पैसे निकालने के लिए। तो आते हैं तो मैं आप लोगों से मुलाकात करवाती हूँ। तो भाई ये देखें, आजकल तो लहंगे भी काफ़ी सारे न्यू मार्केट में मिल रहे हैं। ये देखें भाई, स्ट्रीट में मिल रहे हैं।
भाई फ्रेंड्स, बर्थडे वाले दिन अवध मार्केट लेकर आए हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खरीदारी करना जरूर बनता है, तो देखते हैं मुझे क्या अच्छा लगता है। फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ श्रीराम मार्केट, जो कि हमारे कोलकाता का वन ऑफ दी फेमस मार्केट है। और ये मार्केट तो एस्प्लैनेड एरिया के अंदर में ही आता है। ये बात मैं स्पेशली अपने उन व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ जो हमारे कोलकाता के नहीं है, क्योंकि कोलकाता के मेरे कोई भी ऐसे वासी नहीं है जिनको नहीं मालूम होगा कि भाई हमारे कोलकाता में न्यू मार्केट में कहाँ पर श्रीराम मार्केट है। तो ना सिर्फ यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह की शॉप है, बल्कि यहाँ पर तो टैटू पार्लर सारी चीज़ों का फैसिलिटी है। मैंने कुछ खरीदारी भी की है अपने लिए, और भाई बर्थडे है, अहमद से कुछ लेना तो बनता ही है। और यहाँ अहमद खड़े हैं, ये देखिए अहमद। भाई फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट के तरफ और हम लोग कर लेंगे वहाँ पे डिनर, और फिर आज का जो व्लॉग है मैं वहीं पे कर दूंगी एंड। भाई फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट जो कि हमारे एरिया में है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने चाइनीज़ के लिए, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे अभी ज़रा देर में ऑर्डर। भाई फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपना खाने का आ जाने का। तो जैसे ही आता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या मंगाया है। मेरा फेवरेट आने वाला है, जस्ट लव चाइनीज़ लाइक एनीथिंग। भाई ये जो रेस्टोरेंट जहाँ पर मैं आई हुई हूँ ना, ये मेरा फेवरेट है चाइनीज़ खाने के लिए, क्योंकि जब भी मेरा मन होता है चाइनीज़ के लिए तो मैं सीधा इसी वाले रेस्टोरेंट में आ जाती हूँ। इसका नाम है चाइनीज़ बोल और ये मेरे घर के एकदम पास है। मैं चाहती थी कि आप लोगों को यहाँ का सारा म्यूज़िक वगैरह भी सुनाऊं, लेकिन आप लोगों को मालूम है यार कि YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से कॉपीराइट क्लेम हो सकता था, जिस वजह से मुझे यहाँ पे यहाँ का ओरिजिनल जो म्यूज़िक बज रहा था उसको म्यूट करना पड़ा है। भाई फ्रेंड्स, आज यू ऑल नो कि मैं आज रोज़ा थी और मैंने इफ्तार भी किया था, तो मेरा तो आज यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मेरा डिनर का कोई ख़ास मन नहीं, लेकिन अहमद ने कहा कि नहीं, इट्स योर बर्थडे तो चलिए बाहर कुछ खा लेते हैं। तो ठीक है यार, वैसे भी तो डिनर करना ही था ना, तो इसलिए फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। फाइनली भाई हमारा जो आज का डिनर है वो आ गया है, चिकन फ्राइड राइस एंड वेज मंचूरियन। मैंने वेज मंचूरियन मंगाया है क्योंकि चिकन फ्राइड राइस के साथ चिकन मंचूरियन काफ़ी हार्ड हो जाता। बातों बातों में हमारा खाना आ गया है। I just love fried rice, chicken fried rice and veg manchurian, my favorite. चाइनीज़ खाना चाहते हो और अगर आप बेग बगान एरिया के हो ना, तो गोल्डन बॉल बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसे मैंने मेनलैंड चाइना का भी चाइनीज़ खाया है, लेकिन आई स्वेयर वहाँ से ज़्यादा बेहतर मुझे यहाँ का लगता है। आई डोंट नो व्हाई, ये मेरा टेस्ट है। कैसा लगा? मेरा तो फेवरेट नहीं है, मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है चिकन फ्राइड राइस और वेज मंचूरियन। आई जस्ट लव इट, द कॉम्बिनेशन। खाया नहीं जा रहा है, देखिए पूरा रखा हुआ है, मन ही नहीं हो रहा और खाने का। मैंने बोला था मत मंगाइए। भाई फ्रेंड्स, हम लोगों का डिनर यहाँ से हो गया है और अब चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से और घर चलकर आप लोगों से बात करते हैं कम।
तो जी भाई फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं होटल से और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और देखते हैं, सभी लोग भी हैं, उन लोगों के लिए बिरयानी वगैरह ले लेते हैं क्योंकि दे डू नॉट लाइक फ्राइड राइस एंड मंचूरियन। यहाँ हम लोग ले रहे हैं बिरयानी और बिरयानी लेकर सीधा हम लोग जाएंगे घर। भाई हम लोगों ने बिरयानी ख़रीदा और वापस अपने घर में आए। अभी हम लोग आकर क्या देखते हैं कि हम लोगों का घर का जो दरवाज़ा है वो खुला है और मैं खटखटा रही हूँ लेकिन वो खुल नहीं रहा है। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि कुछ इन लोगों का गेम प्लान है और अहमद भी मुझे नहीं बता रहे और मुझे छत पर लेकर आ गए हैं। अभी मैं थोड़ी देर में अंदर जाऊँगी और देखूँगी कि क्या सीन है। मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने कुछ खुराफात फिर से किया है। ऐसा खुराफात दोबारा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने 12:15 बजे रात को कर लिया था खुराफात। चलो ठीक है, देखो बुला रही है। बुला रही, चलिए आइए देखते हैं। Oh my God, ये क्या है, ये सब क्या है? वाओ, तुम तो हमको ले गए। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू वेरी मच। तो भाई ये सब क्या है, कौन किया? सरप्राइज, जूही, कैबिशा, टप्पी। माशाल्लाह, तो इसीलिए आप मुझे बाहर लेकर गए थे। और ये क्या, बर्थडे गर्ल, ओह माय गॉड, ये सारी अरेंजमेंट तो उन लोगों ने की है। और आपका खुराफाती दिमाग था क्या? नहीं नहीं, हमारा कुछ दिमाग नहीं था। जूही, कैबिशा, टप्पी का सब काम है। वहाँ देखिए कैमरा सेट करके रखा है आपने ना? पार्टी जो है वहीं पे खत्म हो जाने वाली थी जहाँ गोल्डन बॉल में हम लोगों ने डिनर किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी जान। भाभी जान, तो ये सारी डेकोरेशन आप लोगों ने ही किया था इसलिए। हाँ। और मुझे अहमद प्लान के तहत लेकर गए थे शायद। हो कौन सकता है? ओह माय गॉड, चलिए, इतनी सारे गिफ्ट्स, इतनी सारी चीजें मुझे देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। कैसा लगा सरप्राइज? वेरी नाइस यार, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल दिस। अहमद भाई का, माया का। असल में फ्रेंड्स हुआ क्या ना कि ये अहमद जो है मुझे प्लान के तहत लेकर चले गए न्यू मार्केट और वहां पर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सारी चीजें अभी होगी, लेकिन मैं घर खोल कर क्या देखती हूँ कि ये देखे, ये सारी चीजें ऐसे सजाया गया है। ये देख ले भाई, पूरी पूरे घर को डेकोरेट किया गया है, ठीक है। और इन लोगों ने किया है, मतलब इसीलिए चाबी आप लोगों को दे के जाया गया। तो मैं सोच रही थी कि यार इतना मतलब चाबी क्यों दिया जा रहा है, क्यों? तो अब समझ में आ रहा है, मतलब अब क्या है ना फ्रेंड्स, अब क्या है ना कि जब भी चाबी दिया जाएगा ना तो मुझे मुझे शक हो जाएगा। चाबी वाला खेल, चलिए ठीक है, केक वगैरह काटते आइए। मैंने कोई अवार्ड जैसे जीत लिया है। आई एस सेलिब्रिटी, मेरे भाई को जीतना कोई आसान बात है, मेरा भाई भी एक अवार्ड से, मतलब मैंने पैदा होकर कुछ उपकार नहीं किया, कोई भी पैदा होकर उपकार नहीं करता है। ये दूसरी बार मुझे गुलदस्ता मिला। तो चलिए भाई, अब थोड़ा केक वगैरह भी काट लेते हैं। तो भाई फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें एक में लिखा है व्लॉगर और दूसरे में लिखा है ओ माय गॉड परी जान। ये मेरा बहुत ज्यादा पुराना नाम है, आई एम रियली हैप्पी टू सी इट वंस अगेन। तो अभी मैं करूंगी इसे कट। और कल वाला केक ना मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, हालांकि अगर आप लोग ये वीडियो पूरा शुरू से देख रहे तो आप लोगों को मालूम होगा कि रात का सेलिब्रेशन जो था वो अलग था। उस टाइम मैं आप लोगों को एक एकदम सामने से नहीं दिखा पाई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था भाभी जान और वो इनके तरफ से था। ये अभी वेरी नाइस, जलो यार, जलो, तुम भी जलो। एक जल रहा है फ्रेंड, दूसरा अभी जला नहीं है, ये बुझ जाएगा तब ये जलेगा। देखा, आम अंतर्यामी। चलो हो गया, काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू भाभी जान ब्लॉगर। अच्छा हुआ ऐसे तुम लोगों ने बंद कर दिया, फिर तो बस हो जाता रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दो कैंडल जला हुआ, मतलब मैं मर से मरने वाली हूँ। चलिए ठीक है, हो गया।
What is this? चलिए ठीक है अब लीजिए सबसे पहले लीजिए देखो तो तुझे मत खिला यार मेरे को मेरा चाइनीज खा के ना एकदम मतलब इतना तक भर गया इतना तक ठीक है तो हो गया केक में कटिंग हो गया सर गिफ्ट देख हमको फिर से वो वाला याद आया एडवर्ड करी वाला क्या निकला था बिन साबुन लव साबुन बर्तन मांजने वाला वो क्या बोलते उसको यार भाभी ब्रश चाय पत्ती भाभी है ना तो ये सब नहीं देंगे तो फिर क्या I'm really scared of अब आप सब कमेंट पे बताइए देखते हैं इसको खोल कर देखते हैं कि ये लोग क्या दी है इतना सारा गिफ्ट देते मुझे डर भी लग रहा है मैं गिफ्ट खोल के देख रही हूँ ये गिफ्ट मुझे मिला है कैटोशा एंड माया की तरफ से कैटोशा एंड माया तो माया तो आई नहीं आप लोगों ने मुझे कौन सा रोल दिया है पिछले फ्रेंड्स कैमरा जरा सामने लाइए मैं आप लोगों को सामने लाया जाए ये देखें ये मुझे गिफ्ट मिला है डोरेमोन वाला नोट ठीक है मैं भी खुश हो गई मैंने भी सोचा कि चलो भाई हाथ लगेगी कम से कम अच्छी खासी रकम लेकिन देखा तो क्या हुई है डोरेमोन 500 1000 2000 या 3000 रुपए मिले अच्छे रकम है कोई काम करे यार सिर्फ 1 रुपए में अच्छी रकम है भाभी जान आप गौर फरमाए 3000 है 1 रुपए में हाजमोला सिर्फ मिलेगा ये नकली नोट उसके साथ साथ डोरेमोन तो जो चाहिएगा वो मिल जाएगा गौर फरमाइए फ्रेंड्स लोगों को पूरा पार्टी गिफ्ट सबसे पहले ये गिफ्ट है आपके लिए दूसरी वाले गिफ्ट को बोलते हैं तो भाई फ्रेंड्स दादी वाला गिफ्ट मुझे रात को ही मिल गया था और दादी ने मुझे एक सोने का रोज पिन दिया है वो तो मैं आप लोगों को रात को दिखा चुकी थी इसमें भी कुछ बॉम्ब निकलेगा Oh my God, bomb! तो भाई ये सारे चॉकलेट मुझे मिले चॉकलेट बॉम्ब सामने लाइए कैमरा इतना दूर से मेरे ऑडियंस को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं सब दिख रहा है तो भाई ये देखिए ये सारी चीजें मुझे मिली हैं ठीक है तो चलिए दूसरे गिफ्ट को खोल कर देखते हैं आई एम सो एक्साइटेड यार गिफ्ट खोलने में इतना मजा आता है ना कि मैं क्या बोलूं बचपन में ना दूसरी बात होती थी मतलब मैं तो खुद गिफ्ट खोल नहीं सकती थी अपना खुद का ये क्या है पता नहीं होगा कुछ पार्क इसमें पूरा पार्क है क्या Oh my God. ये मुझे काम का लग रहा है ये हैवी बॉम्ब है उसमें बड़ा बॉम्ब है सही बात है जब इन लोग मुझे पिछली बार का हरकत याद है इन लोग का तो भाई ये मुझे शूज मिले हैं मेरे कपड़े से मैच मेरे ड्रेस से मैच कैसा लगा चलिए अच्छा है ना ये कहाँ 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 काम आएगा बस ब्लॉगिंग करने जाऊंगी तब यूज होगा चलिए ये तो हो गया अब दूसरी देखते अरे बाप फ्लिपकार्ट से इसमें कुछ आया इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ घोटाला गोलमाल है फ्लिपकार्ट से सामान मंगाती है ये और डब्बा जमा करके रखती है मेरे लिए ये आपके लिए सबके लिए करते हैं क्योंकि मुझे मालूम है ना मेरी शादी की सालगिरह में ऐसा हो चुका है मेरे साथ ये देखिए आम सेट ये यस गुड वेरी नाइस ये मैं खाऊंगी लेकिन फ्लिपकार्ट के डब्बे में आम सर्ट फ्लिपकार्ट से मंगवा ये भी फ्लिपकार्ट के डब्बे में निकला है इसमें भी कुछ खुराफात होगा इसमें भी कुछ खुराफात होगा देखिए मुझे देख रहे तो ऑपरेशन करके तो मतलब ऑपरेशन करके जल्दी से निकाल रहे हैं इतने सारे चॉकलेट फ्लिपकार्ट के डब्बे में वंस अगेन ठीक है तो चलिए अब मैं दूसरा वाला खोलती हूँ ये वाला बादाम खिलाया कीजिए उनको पता है कि भाभी अपने सारे चॉकलेट दांत सड़ जाएंगे यार इतने सारे चॉकलेट आपको पसंद है ना इतने सारे चॉकलेट तो ये इतने सारे चलिए ठीक है दूसरा मीठा में चॉकलेट खाइए बाकी सब फीका खाइए चलिए ये वाला कोई नायका का डब्बा अब आप लोग सोचेंगे कि नायका के डब्बा में कुछ हेवी मेकअप का सामान होगा I don't believe it.
तुम पर भरोसा मतलब चालाक लोगड़ी पर भरोसा नहीं करना चाहिए लेकिन आप कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम पर भरोसा, ये खुला हुआ पैकेट है ठीक है नाइका से, इसका मतलब कि इसमें कुछ बराफात है, खोल के चेकिंग नहीं करेंगे हम। बहुत ताकत लग रहा है नाइका के डब्बे में। नाइटी नाइका हेडफोन, नाइका हेडफोन नाइटी। तो चलिए ठीक है, ये देखें कप्तान, कप्तान वेरी नाइस, भालो अच्छे नायका के डब्बे में वंस अगेन कुछ मिला है, ये भी शायद नाइटी ही है। यस नाइटी है, गुड। भाई तुम लोगों को कैसे पता लग जाता कि ये मेरा फेवरेट फेवरेट लकली। तो भाई फ्रेंड्स ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हवा अगर ठंडा नहीं है, उससे अच्छा तो ऐसी का हवा है। फ्रेंड ये सारे गिफ्ट मैंने आप लोगों को दिखा दी है, मैं गई हुई थी श्रीराम मार्केट रंगनलाट, वहाँ से मैं अपने लिए क्या लेकर आई हूँ वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था वहाँ पे, यार इतना ज्यादा मतलब ये हो रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो ठीक है ये वाली कुर्ती मैंने ली है, कैसा है? बहुत अच्छा लगा। किसका चॉइस? पूरा तरह मेरा चॉइस है, पिंक कलर भी था लेकिन मुझे पिंक नहीं पसंद, पिंक तो बहुत सारे ड्रेसेस हैं। भाभी को हमने इतना सारा गिफ्ट दिया, भाभी ने हमारे लिए रिटर्न गिफ्ट लाया है। ये तुम्हारे भाई की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला ठीक है, और उसके साथ ये वाला ले गया ठीक है, और ये मछली का खाना ये मेरे मछलियों के लिए। तो खाने से याद आया भाई कि ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब चलिए इन लोगों को भी भूख लगा होगा क्योंकि आप लोगों ने तो देखा कि मैंने तो होटल में ठूस लिया है, अब चलिए इन लोगों को कुछ खिला देते हैं यार। इन लोगों के लिए बिरयानी ले गया है, चलिए खाते आइए, कम बिरयानी पार्टी। भाई फ्रेंड्स केक कट गया, गिफ्ट भी खोल कर देख लिया और मैंने तो खाना खा कर ही आई हूँ, आप लोगों ने देखा ही है। तो यहाँ पे इन लोगों का खाना हो जाए उसके बाद में देखते हैं कि अब इन लोगों का और आगे का क्या प्लान है। इन लोग ये वाला लेके आए थे छोड़ने के लिए, मैंने इन लोगों से ये चीज को छीन लिया और कह दिया कि भाई मेरे घर में ये वाली जो चीज है ना ये बम पटाखा नहीं छुड़ेगा, अदरवाइज पूरा घर मेरा फैल जाएगा पूरा घर। अभी अपने लोग तो चले जाइएगा, फिर पूरा साफ मुझे करना होगा, इसलिए ये वाला मैं नहीं छोड़ने दूंगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कह रही है कि खाने के बाद छोड़ेंगी, मैं नहीं छोड़ने दूंगी, मैं अभी इसको घर से बाहर फेंक देती हूँ। इन लोग गाना बजा दिए और इन लोग चल आइए ना। नहीं मुझे अरे 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 आइए आइए जल्दी जल्दी। नहीं नहीं तुम लोग को समझ आ गई है सारी। भाई फ्रेंड्स मैंने अपना बर्थडे का व्लॉग आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर लिया। अरे यार बात तो करने दो मेरे ऑडियंस से। तो भाई मैंने शेयर कर लिया, अगर आज का वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है ना वो मिलता रहे। तो चलिए अब मैं यहाँ का व्लॉग आज एंड कर रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी एक दूसरे और अच्छे वीडियो के साथ। तो ठीक है चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।